तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 की प्रैक्टिस। इसके अंदर पहले यूनिट के अंदर हमने समझा था, ठीक है, क्या समझा था, एम इज आर की बात हुई थी। अब उसी से अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसके। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ पिछली बार क्या किया था। आई एम ही शी और इट के साथ आता था, इज वी यू दे के साथ आता था, आर। अब इन्हीं से क्वेश्चन बनाने हैं तो आएगा एम आई, सीधे सीधे आई एम मैं हूं, एम आई क्या मैं। इज ही शी इट आर आएगा, वी यू दे। ठीक है दोस्तों, तो आई एम ही शी इट इज वी यू दे आर, एम आई क्या मैं, इज ही इज शी इज इट क्या वह क्या है यह है, आर वी क्या हम, आर यू क्या तुम, आर दे क्या वे। ज़्यादा लोग सबके साथ क्वेश्चन क्वेश्चन। अब पहला सैम्पल सेंटेंस देख लें तो क्या हो रहा है। आर यू अ स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या तुम एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हो। आप बोलेंगे यस, मतलब हाँ, सिर्फ यस बोल के भी जवाब दे सकते हो, या फिर आप बोलो यस आई एम, हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट होता है एक तरह से, यस आई एम मैं हूं। दूसरा सैंपल सेंटेंस, आप पूछ रहे हैं किसी से, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं, क्या मैं देरी से आया हूं, क्या मैं देर से आया हूं। आंसर आएगा नो यू आर ऑन टाइम, नहीं तुम समय पर हो। पड़ोस की आंटी जो कि बहुत बात करने वाली हैं, तो वो पूछती हैं, इज योर मदर एट होम। उन्हें बातें करनी है बहुत सारी, तो ये पूछती हैं क्या तुम्हारी माँ घर पर हैं। अब इज क्यों लगा है यहाँ पे, योर लगा हुआ है, तो वो आपसे पूछ तो रही है मगर आपके बारे में नहीं पूछ रही है, इनडायरेक्टली आपकी मम्मी के बारे में पूछ रही है। तो इज योर मदर, तो जब भी हम एक पर्सन की बात करते हैं, ही शी इट, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन के बारे में, ठीक है, माँ के बारे में, तो वो तो एक ही है, तो इज आएगा, दो होते तो आ रहा था, योर तुम्हारी, तुम नहीं तुम्हारी, एट होम यानी घर पर हैं। आप आंसर दोगे नहीं है तो नो शी इज आउट, वो बाहर गई हैं, नहीं वो घर पे नहीं है। इसी तरह से वही आंटी दोबारा पूछती हैं, इस बारी वो बोलती ने कि क्या वह घर पे हैं, तो आप समझ जाते हो कि आपकी मम्मी के बारे में, तो इज शी एट होम, फिर से वही जवाब नो नहीं। ठीक है, और लिखना चाहते हो शी इज आउट यानी बाहर गई है। अब पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं, आर योर पेरेंट्स एट होम। आर क्यों आया, पेरेंट्स दो हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है,
वर्तमान काल में ही पूछा जा रहा है, योर तुम्हारे, ठीक है, एट होम फिर से बोल देंगे, नो दे आर आउट। इसी तरह से वो पूछती है क्वेश्चन, योर शूज आर नाइस, आर दे न्यू, तुम्हारे जूते अच्छे हैं, क्या वो नए हैं, जूते दो, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं तो आर लग जाएगा, आर दे मतलब वे नए हैं, न्यू, आर दे न्यू। तो सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। इज इट कोल्ड इन योर रूम, क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, इज इट कोल्ड इन योर रूम, मतलब क्या तुम्हारे कमरे में ठंडक है या ठंडा है, ठीक है, आप आंसर देते हैं अगर ठंडा है तो यस। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए यस के बाद लिखेंगे, अब आ रहा है वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, अब बोलेंगे व्हाट का भी मतलब क्या है और इसका मतलब भी क्या है, आर का मतलब भी क्या है, तो ये दोनों अलग चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, अब वही आंटी दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेगी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, आंटी पूछती है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज योर मदर, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें पूछ लेगी अगर वो, इज शी एट होम, वो खुद ही पूछ रही है क्या वो घर पे हैं। अगला क्वेश्चन कोई और पूछता है, हाउ ओल्ड इज विक्की, किसी के बारे में पूछ रहा है, हाउ ओल्ड इज विक्की मतलब कितने साल का है, किसी पर्सन के बारे में, ओल्ड का मतलब बता चुका हूँ मैं कि पुराना नहीं, कितना एज का है पूछा जाता है। अब आंसर अगर देंगे तो बोल सकते हैं ही इज 15, वो 15 साल का है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तो कौन सा आना चाहिए, वेयर व्हाट हु हाउ व्हाई, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो हम यूज़ करेंगे हाउ, हाउ पेरेंट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं दो तो आर आना चाहिए, कैसे हैं, हाउ योर पेरेंट्स आर, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हाउ फॉलो करेगा आर, हाउ आर योर पेरेंट्स, पूछा जा रहा है आर दे वेल, एक और क्वेश्चन फेंक दिया, आर दे वेल मतलब क्या वे अच्छे हैं स्वास्थ्य में, मतलब वाई का कुछ बनाते हैं, नॉर्मली हम सुनते हैं वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू एंग्री, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो वेयर के बाद आर फॉलो कर रहा है, यू के लिए आर आता था जैसा कि हम देख चुके हैं, आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, आंसर दे सकते हैं इंडिया, जिस भी देश से हो। आपकी कार कौन से रंग की है, आपकी कार का रंग क्या है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हाट कलर
इज योर कार? व्हाट इज कलर ऑफ योर कार, या फिर व्हाट कलर इज योर कार? तुम्हारे कार कौन से रंग की है? आंसर दे सकते हो, इट इज ब्लैक, जो भी कलर के हो, वाइट, रेड, ब्लू। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप आंसर देना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, कवर करते हैं। तो अगर आपका आंसर होगा यस, आपके बारे में आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट पर्सन से, ठीक है, आप बोलते हैं यस। आपसे पूछा कि आप स्टूडेंट हैं, आर यू अ स्टूडेंट, आप बोलेंगे यस आई एम। तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर। इसी तरह से आपसे कोई पूछ रहा है थर्ड पर्सन के बारे में, किसी और के बारे में, सामने वाले के बारे में, ही शी इट के बारे में, और आपका आंसर यस होगा, आप बोलेंगे यस ही शी इट। और जैसे आई के साथ एम आएगा तो यहाँ पे आएगा इज। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था ये। इसी तरह से वी के बारे में, यानी हम के, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में और उनके बारे में, यानी ज़्यादा लोगों के बारे में, इनके बाद क्या आता है आर, और पूछे हाँ है आंसर, तो यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। तो इस तरह से बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप साफ तरीके से बोल पाए। तो यस ही इज़, यस शी इज़, यस इट इज़, यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। ठीक है, नहीं वाले आंसर यानी नहीं है, तो यस हाँ के लिए, नो ना के लिए। नो आई एम, तो आई एम नॉट। आपसे पूछा क्या आप स्टूडेंट हैं, नो आई एम नॉट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे यस ही शी इट के लिए यस ही इज, यस शी इज, यस इट इज, नो ही क्या आएगा, इज नॉट, नो शी इज नॉट, नो इट इज नॉट। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या वो स्टूडेंट है, आप इंग्लिश में जवाब देते हैं नो ही इज नॉट, नहीं वह नहीं है। इसमें भी नहीं यह नहीं है, अब यहाँ पे नो वी यू और दे आ आएगा और लग जाएगा साथ में नॉट, इजी था। क्या तुम थके हुए हो, तो आप और तुम के लिए यू ही यूज़ होता है इंग्लिश में, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हो, अगर आप हो तो यस आई एम, नहीं तो नो आई एम नॉट। अगर आप थके हो तो यस आई एम, नहीं हो तो नो आई एम नॉट। तो इजीली आप तरह से आंसर दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, या आप, क्या आपको भूख लगी है, नो आई एम नॉट। ठीक है, नहीं हो तो नो आई एम नॉट, अगर हो तो यस आई एम। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेज है, इज योर। देखा, तो जब भी हम योर लगा रहे हैं, हम आपसे जुड़े हुए किसी और की बात कर रहे हैं तो इज लगा रहे हैं, जब वो एक ही आदमी है तो इज योर फ्रेंड
इज योर फ्रेंड इज इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इज यूज कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। योर फ्रेंड इज इंग्लिश ऐसे नहीं, इज योर फ्रेंड इंग्लिश। अगर वो है तो आंसर देंगे यस, जैसे हमने बोला यस आई एम अपने लिए, तो यस उसके लिए बोलेंगे यस ही इज, या अगर वो नहीं है तो नो ही इज नॉट। अब कोई और क्वेश्चन पूछता है आपसे, आर दीज योर कीज, क्या ये तुम्हारी चाबियां हैं। आर दीज मतलब ये, योर कीज, अब बोलेंगे कि आर क्यों लगा दिया, तुम्हारी बात हो रही थी, तुम्हारी से जुड़ी हुई किसी और की बात हो रही थी, योर जब हमने लगाया था तो इज लगाया था, मगर यहाँ पे एक एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा है, यानी चाबी नहीं है चाबियाँ हैं, तो आर लगेगा, तो आर दीज योर कीज, अगर हैं तो बोल दो यस दे आर, अगर नहीं है तो नो दे आर नॉट, हैं तो यस दे आर, नहीं है तो नो दे आर नॉट। अब कोई कहता है कि दैट इज माई सीट, वो मेरी सीट है, तो अगर नहीं है तो आप क्या जवाब दोगे, नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है, दैट इज माई सीट, आप बोलेंगे नहीं ये नहीं है, तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं पूरा सेंटेंस बोले बिना, ये सिंपल बिल्कुल सिंपल वाला प्रेजेंट सेंटेंस थे, जिसके अंदर हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार बोल के यस आई एम, ठीक है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आएगा, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा सीखता है तो वो बार बार एक ही चीज़ को बोलता रहता है, तो तब वो साफ बोल पाता है, तो इसी तरह से हम नई लैंग्वेज सीखेंगे तो बार बार उसको रिपीट करेंगे, तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी जो बोली है वो साफ हो जाएगी इंग्लिश में, यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर, नो ही इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट, नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट, तो इस तरह से बार बार आप बोलेंगे बेसिकली इसी सिंपल चीज़ों को, तो आप आसानी से जब एडवांस लेवल पे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो उसको बोल पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप जुड़े रहिए, नए नए लेसन आते रहेंगे इसी तरह से, तो थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।